अस्सलामुअलैकुम अनीस मुबारक। आज 30 दिन रमजान के बाद जो है बड़ा खूबसूरत मौसम है और बड़ा ही खूबसूरत दिन है और तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके रमज़ान के रोज़े इबादत जो है वो सब कबूल करें। और हम जा रहे हैं आज सेंट्रल मॉस्क लंदन ईद की नमाज पढ़ने के लिए, मैं और डॉक्टर साहब दोनों। ईद मुबारक डॉक्टर साहब, अपने व्यूअर्स को कह दो। तो देखते हैं जी कैसा निज़ाम है। कल एक्चुअली यहाँ पे इस तरह का कुछ था नहीं, पाकिस्तान और इंडिया में और दुबई में तो ईद के अपने नज़ारे हैं और यहाँ पे फिलहाल तो अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। हमें मस्जिद में देख ले कुछ, हाँ शायद हमें कुछ महसूस हो जाए कि हाँ, मस्जिद में या नमाज है, अदरवाइज लेट्स सी। तो चलते हैं, अभी फिलहाल 9 बजे नमाज है और हमारे पास 35 मिनट है, सो लेट्स गो। ये चेक करें जी, माशाल्लाह सेंट्रल लंदन मॉस्क का एक इन्होंने बनाया हुआ है स्टेशन और ये सारी आवाम जो है फिलहाल नमाज पढ़ने के लिए ही जा रही है। तो लेट्स सी, पुलिस वाले भी माशाल्लाह रफारी के लिए खड़े हैं क्योंकि बड़ा दिन है, टेंशन नहीं है इनको भी। अब ये आ गई है मॉस्क, लो जी माशाल्लाह मस्जिद आ गई है और नमाज होने लगी है, देखते हैं लेट्स सी। देखिए जैसे हम आए हैं व्लॉग बनाने, ये भाईजान भी दो लोग आए हैं प्रॉपर व्लॉग की शूटिंग करने के लिए। बहुत सारी आवाम आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी वाले सब आए हुए हैं और माशाल्लाह बहुत आवाम है, बहुत हर किस्म की नेशनलिटी, हर किस्म के लोग नमाज पढ़ने आए हैं। बड़ा अच्छा लगा सारे को देख। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो नमाज़ है वो हर एक घंटे बाद हो रही है। मतलब सेंट्रल मॉस्क लंदन में सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे तक ईद की नमाज़ जो है वो चल रही है। और गाइस, ये वीडियो जो है वो कुछ दिन पुरानी है क्योंकि मुझे मालूम था ईद वाले दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, ये मस्जिद फुल ऑन भरी होगी माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसलिए मैंने ये वीडियो पहले ही शूट कर रखी थी और अब मैं इसे ईद वाले व्लॉग में ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोग सेंट्रल लंदन की जो मॉस्क है उसको प्रॉपरली देख सकें। बहुत ही खूबसूरत और थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पे डेली बेसिस पे नमाज़ पढ़ते हैं और ये लंदन की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक वाइट चैपल में है ईस्ट लंदन मॉस्क और एक ही है। सो सिंपली यहाँ पे एंट्री है, माशाल्लाह इसका हॉल बहुत बड़ा है। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। तो अभी हम हॉल को देखते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे नमाजी यहाँ पे ईजिली जो है वो होते हैं और ये 2 फ्लोर्स पे, यहाँ पे भी है, इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी है। अच्छा सा कैफेटेरिया है, अगर आपको हल्की फुल्की भूख सत आ रही हो तो आप स्नैक्स के तौर पे यहाँ पे खाना खा सकते हैं और अच्छा डाइनिंग भी है, सिटिंग भी आप कर सकते हैं, उसके साथ ही बहुत बड़ी पार्किंग है और इसके अलावा लाइब्रेरी भी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज क्लोज है। इन फूलों के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे सामने है बिल्कुल लॉर्ड्स ग्राउंड,
यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं ईद की नमाज पढ़ने आऊँगा और लॉर्ड्स ग्राउंड का जो है ना मेरे सामने सामना हो जाएगा। सारी ज़िंदगी इसको जो है वो क्रिकेट मैचेस में देखा है और गेम्स में देखा है और ये हमारे सामने बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको करीब से भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसकी नंबर प्लेट मुझे बड़ी पसंद आई। एक्चुअली में इसकी नंबर प्लेट एक नाम है बे, जो ज़्यादातर लोग अपने अजीज चाहने वालों को देते हैं, तो हो सकता है ये गाड़ी किसी चाहने वाले ने इसको दी हो या इसने किसी के चाहने वाले को दी हो। देखें जी लॉर्ड्स का नॉर्थ रेड और ये वो आइकॉनिक प्लेस जहाँ पे बैट्समैन बैठते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जाएंगे इधर कभी। एंड आफ्टर दैट हम दोनों सीधा पहुँचे अपने अपने ऑफिस, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान इंडिया नहीं है, यहाँ पे ईद की छुट्टी नहीं होती। सो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।